अब तो फारिस का रवैया भी बहुत बेहतर हो गया है। कह रहा था कि जो ही वो बिजनेस सेटल करेगा वो कराची आएगा और एक और घर लेगा। शादी के बाद मैं और वो साथ रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है निम्रा, कम से कम तुम्हारी इस झंझट से तो जान छूट जाएगी। फारिस कहता है कि जितनी दूर की मैं सोच सकता हूँ तुम नहीं सोच सकती। जितनी दूर तक फारिस सोच गया है ना, हम में से कोई भी नहीं सोच सकता। क्या मतलब चाचा? तो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस इतना कहूंगा कि अपनी आंखें खुली रखो, बार बार फोन करके अपने बिजनेस के बारे में पूछती रहो। बेटा, तुम्हारी दादी ने मुझे अपना बेटा बोला था और जाते वक्त वादा लिया था कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। जो भी बात होती है, छोटी या बड़ी, मैं आपसे ही शेयर करती हूँ। तुमने उससे पूछा नहीं कि प्लाजा कब और कैसे उसने अपने नाम करवा लिया? भाई, पूछना तो चाहिए ना, इतने बड़े फ्रॉड की जरूरत कैसे पेश आई? शातिर बाप का शातिर बेटा है वो, बातों में माहिर। उसने अपनी मीठी मीठी बातों में तुम्हें ऐसा उलझाया कि असल बात की तरफ आने ही नहीं दिया। बेटा, अब तुम उससे कहो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचकर जो कारोबार वो कराची में शुरू करने वाला है वो तुम्हारे नाम से होना चाहिए। जी चाचा। वैसे बेटा, तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बिना झिझक उसे दो टोक बात कर सकती हो।